अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज फिर साढ़े एक छोटे जे सद्दे दे उपर रिजवानुल्ला साहब साढ़े स्टूडियो दे विच है, और अज दा टॉपिक जो है साडा वो है तरावी। एक खास नमाज़ दा अहतमाम किया जाता रमज़ान दे विच तरावी। इस नमाज़ दा अहतमाम क्यों किया जाता, इहदा हुक्म किवें आया और की करना चाहिए, इहदे ताल्लुक दे नाल आपां सारियां गल्लां करांगे रिजवानुल्ला साहब दे नाल। आओ आपां सब तों पहलां वैलकम कहीए। रिजवानुल्लाह साहब, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ, वेलकम कहता हूँ आपको अपने चैनल रिसेंट टाइम में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही आपकी आवाज़ को आम ताम करे, आपके फैज़ान को दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुँचाए। रिजवानुल्लाह साहब, आज का जो टॉपिक है, आज हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि तरावी की जो नमाज़ है उसके बारे में पूरी डिटेल्स क्या हैं, वो हम चाहेंगे कि आप आने वाले 10 या 15 मिनट में रखें। शुक्रिया जी। بسم الله الرحمن الرحيم شعبان کے آخری دنوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ دیا اور بہت جامع و مانع خطبہ دیا، بہت بلیغ اور فصیح خطبہ دیا آپ نے، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، کہ لوگو بہت ہی बाबरकत महीना तुम पे शाया फगन होने वाला है, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इस महीने से मुकम्मल तौर पे तुम फ़ायदा उठाओ। आपने इंसानियत के सामने एक खुतबा पेश फरमाया और उसके अंदर आपने मुख्तलिफ अहकामात बताए, रमज़ान की फजीलतों पे आपने रोशनी डाली, जिसके अंदर आपने ये फरमाया कि लोगों, अल्लाह ने तुम पे दिन के अंदर रोज़े को फ़र्ज़ किया और रात में नमाज के पढ़ने को नफल फरमाया। तो मैं आपके सामने अर्ज़ करूं कि तरावी की बात, क्योंकि आपने ये फरमाया कि डिटेल्स, तो तरावी की बात यहीं से शुरू होती है, इसी हदीस के ज़रिए से ये बात शुरू होती है। बहरकैफ़, चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के दिनों में इशा के बाद दो दिन सहाबा को जमात के साथ, इशा की नमाज के बाद सहाबा को अपनी इमामत के अंदर नमाज पढ़ाई। पहले दिन आपने नमाज पढ़ाई, दूसरे दिन आपने नमाज पढ़ाई, लोगों के अंदर इंतहाई शौक पैदा हुआ, और तीसरे दिन हजरात सहाबा के अंदर इस कदर शौक बढ़ा, इस कदर जज्बा बढ़ा और खचा खच और जम्मे गफीर इस कदर हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए, सहाबा इंतज़ार करते रहे, आप तशरीफ़ नहीं लाए और फजर की नमाज के लिए आप तशरीफ़ लाए। बहरकैफ़, आपने फजर की नमाज की इमामत फरमाई और फजर की इमामत के बाद आपने फरमाया कि लोगों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर दीन का बहुत शौक है, दीन का बड़ा जज्बा है, लेकिन तुम्हारे शौक को, तुम्हारे जज्बे को देख करके मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आने वाली उम्मत पे इस नमाज को फ़र्ज़ कर दिया जाए। बहरकैफ, मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद से लेकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक हज़रात सहाबा इनफ़िरादी तौर पे इस नमाज़ को अदा फरमाते थे। कोई किसी कोने के अंदर नमाज़ पढ़ रहा है, कोई किसी कोने के अंदर नमाज़ पढ़ रहा है। इस तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना। आपने जब इस इंतशार की कैफियत को देखी तो तमाम सहाबा किराम को जमा फरमाकर अपने दौरे खिलाफत के अंदर तमाम सहाबा को जमा फरमाकर हज़रत उबई इबन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत के अंदर सबको जमा फरमाया और अपने दौरे खिलाफत के अंदर इस काम को दोबारा शुरू जारी फरमाया। जिस काम को हुजूर ने दो दिन फरमाया था
उस काम को आपने आखिर अंजाम तक पहुंचाया और हज़रत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में दोबारा से 20 रकत तरावी को शुरू फरमाया। चुनाचे उसके बाद से आज तक, जबकि ये ज़माना हज़रत सहाबा का है, ताबईन का है, ताबईन का भी आया, तबे ताबईन का भी आया, और 1450 साल हो चुके हैं उस वक्त से लेकर आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा का 20 रकत तरावी पर तामुल होता चला आया है। इसके बाद मैं तरावी के ताल्लुक से आपके ज़रिए से मामून साहब एक बात मज़ीद अर्ज़ करना चाहूँगा कि तरावी के अंदर, बल्कि पूरे रमज़ान में दो कुरान करीम को पढ़ना सुन्नत है। दो, एक तो मुकम्मल तरावी का पढ़ना अलग सुन्नत है और पूरे कुरान करीम का ख़त्म करना ये एक अलग सुन्नत है। लिहाजा जब दो अलग सुन्नतें हैं, पूरे कुरान करीम का पढ़ना भी सुन्नत है, इसी तरीके से मुकम्मल तरावी का पढ़ना भी सुन्नत है। लिहाजा अगर कोई शख्स 10 दिन की या 15 दिन की या 20 दिन की तरावी पढ़ता है तो इसका ये मतलब क़तान नहीं है कि वो पूरे महीने तरावी की सुन्नत से फारिग हो गया, नहीं बल्कि आखिर दिन तक तरावी पढ़ना सुन्नत मौक्कदा है। बहरहाल इससे ये बात मालूम हो गई कि तरावी का पढ़ना हर शख्स पे सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के अंदर हमारे लिए कामयाबी है। चुनांचे कुरान करीम ये कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए लोगो, अगर ये तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को लाजिम पकड़ लो। लिहाजा ये इन तमाम चीज़ों से ये बात साबित हो गई कि तरावी का बहुत अहतमाम होना चाहिए। आजकल हम लोग रमज़ान के रोज़ों को तो अदा कर लेते हैं लेकिन तरावीह के अंदर बहुत सुस्ती होती है। खुदारा ऐसा न कीजिएगा, रमज़ान के अंदर इसकी बहुत अहमियत है। और ये भी आपके वास्ते से अर्ज़ करूँ तरावीह के ज़िमन के अंदर कि इस महीने में एक फ़र्ज 70 फ़र्ज के बराबर हो जाता है और एक सुन्नत फ़र्ज के बराबर हो जाता है, यानी एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्जों के बराबर और एक सुन्नत का सवाब फ़र्ज के बराबर। लिहाजा अगर कोई आदमी एहतिमाम करता है तरावी का करना चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने दामन के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से सवाब को भरने का बहुत बड़ा ज़रिया है। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हम तरावी की खूब से खूब कोशिश करें। और चुनाचे हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते गरामी से ये बात मालूम होती है कि आप खूब का खूब एहतमाम करते थे। इस महीने के अंदर कुरान करीम की तिलावत को तरावी के अंदर, नफलों के अंदर खूब पढ़ा करते थे। लिहाजा उन हजरात का उस्वाए हसना हम लोगों के लिए आइडियल और नमूना है कि हम लोग भी तरावी को खूब से खूब एहतमाम के साथ पढ़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवानुल्लाह साहब, माशाल्लाह तरावी के टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे अल्फाज तुसी अपने रखे हैं और मैं उम्मीद करता इंशाल्लाह साडे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आने वाले समय के भी रिजवानुल्लाह साहब की नॉलेज तो होर ज़्यादा फायदा उठाते रहेंगे। इन आप बार बार बुला रहे हैं और ये आ रहे हैं, ये वास्ते इन्हों का शुक्रिया अदा भी करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले समय के होर टॉपिक्स के हाज़िर होवांगे। अल्लाह हाफिज़।